आज हम जानेंगे शिष्य के जीवन में पुस्तकों की महत्ता, शिष्य के जीवन में पुस्तकों की भूमिका। पुस्तकें अपने आप में ज्ञान प्रदान करने की महत्वपूर्ण साधन है। प्रारंभिक अक्षर ज्ञान से अत्यधिक विकसित वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य साधन पुस्तकें ही हैं। शिष्य के जीवन में पुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, पक्ष पक्षियों तथा रंगों आदि की पहचान कराने के लिए पुस्तकों को ही अपनाया जाता है। शिशुओं के लिए चटकीले एवं आकर्षक रंग की पुस्तकें तैयार की जाती हैं। इन पुस्तकों में स्पष्ट एवं सुंदर अक्षर होते हैं। इन चित्रों को दिखाकर जब बताया जाता है कि यह चित्र अमुक वस्तु या पशु पक्षी का है, तो शीघ्र ही शिशु उसकी पहचान कर लेता है। विषय वस्तुओं की पहचान के अतिरिक्त अक्षर ज्ञान के लिए भी पुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा के ज्ञान के लिए सर्वप्रथम अक्षरों का ज्ञान आवश्यक माना जाता है। अक्षरों का ज्ञान भी आकर्षक पुस्तक के माध्यम से ही दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि शिशु को सर्वप्रथम अ से अनार का ज्ञान उस पुस्तक के माध्यम से दिया जाता है जिसमें अ अक्षर के साथ साथ अनार का चित्र भी होता है। ये आपने भी देखा होगा कि जैसे बच्चे को हम बताते हैं अ से अनार और वहाँ पर चित्र भी होता है, और या क से कबूतर तो हम वहाँ पर कबूतर का भी चित्र होगा और साथ ही साथ क अक्षर भी लिखा होगा। बच्चों को अंकों का भी प्रारंभिक ज्ञान भी चित्रात्मक पाठ पुस्तकों के द्वारा ही दिया जाता है। अक्षर ज्ञान एवं अंक ज्ञान के अतिरिक्त अनेक पुस्तकों में चित्रों के माध्यम से बाल कथाओं को भी दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए खरगोश एवं कछुए की दौड़ की कहानी को चित्रों के माध्यम से पुस्तक में दर्शाया जाता है। इन चित्रों को देखकर छोटे बच्चे कहानी को रुचिपूर्वक सुनते हैं तथा उसे भली भांति आत्मसात कर लेते हैं, यानी आत्मसात में समझ लेते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि पुस्तकों के माध्यम से बच्चों के ज्ञान में वृद्धि भी होती है। छोटे बच्चों की पुस्तकें अधिक से अधिक आकर्षक चित्रों से भरपूर होनी चाहिए, तभी छोटे बच्चे उनको और अधिक रुचिपूर्वक से उन किताबों को देखते हैं और समझते हैं। छोटे बच्चों की किताबों का जो कागज है वह चिकना होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, और छपाई भी जो है स्पष्ट एवं बड़ी बड़ी होनी चाहिए। छोटे बच्चों को जब आकर्षक पुस्तकें दी जाती हैं तो वे इन पुस्तकों को रुचिपूर्वक देखते हैं, और इस प्रकार वे पुस्तकों को रखना, पकड़ना तथा उनके पृष्ठ पलटना सीख लेते हैं। इन सब क्रियाओं से शिष्य के मन में पुस्तकों के प्रति लगाव उत्पन्न होने लगता है तथा वे आगे चलकर जब विद्यालय में जाते हैं तथा व्यवस्थित शिक्षा अर्जित करते हैं तो उन्हें पुस्तकों के प्रयोग में किसी भी प्रकार की असुविधा या परेशानी नहीं होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिशु के जीवन में पुस्तकों की भूमिका बहुपक्षी होती है। यदि हम संक्षिप्त में देखें कि शिशु के जीवन में पुस्तकों की क्या भूमिका है, तो इसे स्पष्ट है जो हमने अभी बताया कि शिशु में के जीवन में पुस्तक प्रारंभिक अक्षर ज्ञान में सहायक होते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, पक्ष पक्षियों की पहचान कराने में सहायक होते हैं, रंगों की पहचान कराने में सहायक होते हैं, अंक ज्ञान एवं गिनती ज्ञान में सहायक होते हैं, व्यवस्थित शिक्षा अर्जन में पुस्तकें बच्चों शिशुओं के सहायक होते हैं, बाल कथाओं द्वारा नैतिकता के विकास में सहायक होती हैं, और ज्ञान वृद्धि एवं शिक्षण कार्यों में सहायक होती हैं। जब बड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह उसके जो शिक्षण कार्य हैं उनमें वह रुचि लेने लगता है। उदाहरण के लिए जब हम छोटे बच्चे को गिनती सिखाएंगे तो इस प्रकार जैसे चित्र है, चित्र से देख बच्चे से पूछेंगे कुत्ते कितने हैं और एक बताएगा तो वन नंबर, बिल्ली कितने हैं दो तो दो लिखा है, और मेढक कितने हैं तीन, तो इस प्रकार से वह अंक ज्ञान भी प्राप्त कर लेगा और इनको जोड़ना घटाना भी सीख लेता है। तो बच्चों के लिए इस कारण जो किताबें हैं वो चित्रात्मक होनी चाहिए और रंगीन होनी चाहिए और बहुत कलरफुल होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए, जिससे बच्चा उन्हें
अत्यधिक रुचिपूर्वक पढ़े।